भाई साहब यहाँ पे हमारे गेम के अंदर एक नया इवेंट आया हुआ है, फिशी लीलाइट डेजर्ट ईगल गन की नाई है। और ये इसकी कितना डायमंड लगेगा निकालने के लिए वो मैं आपको जा रहा हूँ बताने, और साथ साथ में यहाँ पे आपको दो स्पिन ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलो यहाँ पे इवेंट के अंदर जाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको बता दूं ये वीडियो के लिए मैंने गिव अवे रखा है। 3 लोगों को मैं देने वाला हूँ गूगल प्ले का रिडीम कोड। और आपको ये भी बता दूं मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोज आती है हर एक वीडियो के लिए मैं देता हूँ 3 लोगों को गूगल प्ले का रिडीम कोड। अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको बता दूं कमेंट के अंदर लिंक है हाउ टू पार्टिसिपेट की, उस पर क्लिक करके देख लो रूल क्या है, कैसे पार्टिसिपेट करके डेली ले सकते हो मेरे चैनल के थ्रू गूगल प्ले का रिडीम कोड। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कंफर्म के लिए पूछ रहा है, लेकिन ये जो बटन है इससे आप यहाँ वहां करके जो भी गन आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हो। तो ये आप पूछोगे ये गन कौन सी है, तो भाई ये मिनी यूजी गन है, देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त है, डबल आर्मर पेनिट्रेशन और मैगजीन है भाई, बहुत ही घातक स्किन है। तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे डेजर्ट ईगल है, रेट ऑफ फायर और मैगजीन, भाई रेट ऑफ फायर मैगजीन नहीं मजा आई। और इसके बाद यूएमपी अगर आप देखोगे तो भाई सब कमेंट में रेडीम कोड की लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ जाओ और रेडीम कोड जल्दी से ले लो, अभी के अभी जाओ, रेडीम कोड की लिंक कमेंट बॉक्स में है। यहाँ पे डबल डैमेज और आर्मर पेनिट्रेशन, तो भाई ये स्किन बहुत ही जबरदस्त है। तो फिलहाल हम यहाँ पे डेजर्ट ईगल को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आप चेंज कर सकते हो कि नहीं ये स्किन, अगर एक बार आपने चेंज कर लिया तो यहाँ पे भाई साहब देख सकते हो प्राइस पूल के अंदर बहुत सारी यहाँ पे पुरानी गन्स है जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने मिल रही है, और नीचे बहुत सारे क्रेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि कितना डायमंड लगेगा, तो देखो यहाँ पे जो पहला स्पिन है वो है 20 डायमंड का, और जो यहाँ पे जो 10 स्पिन है वो 180 डायमंड। यहाँ पे कुछ लोग आप लोग को बोल रहे होंगे कि यहाँ पे ये रेट ऑफ 10 टाइम्स, एक्स का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब हुआ बार, इतने बार 10 बार ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके ये स्किन निकलने का, ठीक है। तो 10 टाइम्स ज्यादा चांस है जो आपने गन सेलेक्ट किया वो निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा ये कुछ नहीं बोला है। लेकिन यहाँ पे ये टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 10 टाइम चांस टू विन 900%। यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास डेजर्ट ईगल की स्किन है कि नहीं, और भाई ये क्या है, ये देखो एच, आप लोग उसमें ये आ रहा है क्या, ये बताना मुझे ये है क्या भाई साहब, एच करके डायमंड पे लिख, ओ हाइड आउट आया है भाई, यहाँ पे लोगो चेंज किया है, देख लो आप लोग की उसमें अगर ये आ रहा है तो भाई ये हाइड आउट इवेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को देख सकते हो अच्छे अच्छे रिवॉर्ड देखने मिलते हैं, जो कि सिर्फ 100 डायमंड का टॉप अप करना है। 100 डायमंड का टॉप अप करोगे तो आपको ये जो भी आपको रिवॉर्ड लेना है इसमें से कोई एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग उसमें भी ये आता है एच वाला ये लोगो, तो समझ लेना आपकी आईडी में हाइड आउट इवेंट दिया है फ्री फायर ने, ये हर टाइम नहीं आता है, किसी किसी की आईडी में कभी कभी चलता है, तो यहाँ पे अब जाके मेरी आईडी में आया है बहुत दिनों के बाद। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि मेरे आईडी के अंदर कौन सा डेजर्ट ईगल स्किन है, तो यहाँ पे स्किन देख लेते कहाँ है, पिस्तौल भाई, तो यहाँ पे भाई ये रहा पिस्तौल, और पिस्तौल में यूएसपी की तो नहीं है मेरे पास, और डेजर्ट, ओ भाई ये कौन लगाया है भाई, रेंज और एक्यूरेसी वाली स्किन है, और एक यहाँ पे मैगजीन वाली है, और यहाँ पे डबल रेंज और रेट ऑफ फायर। भाई ये स्किन मेरी पहली स्किन थी, लेकिन भाई ये इतनी खतरनाक स्किन नहीं है। और इसकी बात करें तो भाई इसका एक्यूरेसी जो है ना दिया है ना, ये भाई बहुत जबरदस्त है, ये स्किन से हेड अच्छा जा रहा है। मुझे लगा था कि यार मेरे पास ये वाली स्किन लगी पड़ी है, लेकिन यार यहाँ पे ये स्किन लगी है जो कि हेड काफी अच्छा जाता है, इससे एक्यूरेसी है, क्योंकि इसके अंदर एक्यूरेसी है, और रेंज इतना मैटर नहीं कर रहा है लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पे मैंने पहले बोला आपको, जो ये इवेंट आया हुआ है ना, इसका जो रेट ऑफ फायर डबल दिया है, ये रेट ऑफ फायर ठीक है, अगर यहाँ पे एक्यूरेसी दे दिया होता ना भाई, बहुत ही गजब हो जाती है गन की स्किन। तो इसीलिए मैंने कहा ये स्किन इतनी खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ये मिनी यूजी दिया है ना, मिनी यूजी बहुत ही जबरदस्त है। तो यहाँ पे आपको बता दूं जो यहाँ पे लिखा है ना 10x चांस टू विन, और उसके बाद यहाँ पे इसने टैग लगा दिया है 900% प्लस, मतलब 900% यहाँ पे अब ज्यादा और चांसेस बढ़ गया है। ये इवेंट जो पहला जो डायमंड लेता था 2000, 2500, 3000, अब उससे भाई साहब कम डायमंड लगेगा, ज्यादा चांस रहेंगे कि यहाँ पे आप लोग का जो गन स्किन है वो जल्दी निकल जाएगा, जो कि 900%। तो यहाँ पे 900% बोल लो कि अगर जो पहले 3000 डायमंड लगता था, अब ऐसा मुझे लगता है कि यार एक ही स्पिन में निकल जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही स्पिन में निकल जाए। तो भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो ये इवेंट पहले भी आया था, और यहाँ पे मैंने पहला स्पिन किया था जो कि 25 डायमंड का पहला स्पिन था, और यहाँ पे जो गन निकल रहा था ना, गन जल्दी निकल रहा नहीं था, देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्पिन कर चुका है, अब यहाँ पे दूसरा भी स्पिन किया, और यहाँ पे भाई साहब मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत कम डायमंड में निकल जाएगा, अच्छा इवेंट होगा, लेकिन भाई बहुत ही गंदा इवेंट था ये, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी स्पिन मैंने किया, यहाँ पे जितने भी डायमंड थे ना सब डायमंड मैंने खत्म कर दिया, लेकिन भाई गन निकला ही
नहीं देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 30 रिवॉर्ड देता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कम डायमंड में निकल जाएगा तो भाई गलती मत करना ये सोचने की कि कम डायमंड में निकल जाएगा। देख सकते हो खाली यहाँ पे 30 रिवॉर्ड दे रहा है, जो हमको क्रेट दिया गया है वो सब क्रेट निकलेगा। और आपको क्या लगता है क्रेट में से परमानेंट गन स्किन निकलेगा? नहीं नहीं नहीं, बहुत कम लोगों को ऐसा चांस होता है कि निकल जाता है गलती से, वरना ज्यादातर क्रेट यहाँ पे 2-3 दिन 5 दिन ऐसा दे के जाता है गन स्किन। लेकिन यहाँ पे जो आपको गन निकालना है, अपना डायमंड वेस्ट कर रहे हो, वो नहीं निकलता है। आप देख सकते हो इतने सारे मैंने स्पिन किया लेकिन यहाँ पे स्किन नहीं निकल रही, डायमंड खत्म होते जा रहा है लेकिन यहाँ पे अभी भी गन की स्किन नामो निशान नहीं है दूर दूर तक कि यहाँ पे निकल जाए। मैंने सोचा यार बहुत ही कम डायमंड लग गया, और यहाँ पे 10 स्पिन भी किया और 10 स्पिन में देख रहे हो यहाँ पे खाली भाई साहब यहाँ पे गन क्रेट बॉक्स दिया, और यहाँ पे कर भी क्या सकते थे। फिर उसके बाद बचा था एक स्पिन करना, और एक स्पिन करके यहाँ पे जितने भी डायमंड्स है मैंने सोचा शायद से अब निकल जाएगा। लेकिन भाई मैं गलत सोच रहा था, ये इवेंट बहुत ज्यादा डायमंड लेके जाता है। जितना भी स्पिन करोगे आपको खाली क्रेट देते जाएगा, और आप भाई साहब अपना डायमंड खत्म करके जिस तरीके से मैंने खत्म कर दिया उसी तरीके से आप भी खत्म करके चले जाओगे ये इवेंट के अंदर, और आपका कोई भी प्राइज नहीं निकलेगा गन स्किन, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो अभी आप पूछोगे मैंने डायमंड क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे मैं अपनी आईडी में डायमंड रखा हूँ, लेकिन भाई ये सब स्किन मुझे अच्छी लगी नहीं, एट्रीब्यूट अच्छा नहीं है, तो क्या मतलब। इस अच्छा ईवो आने वाली है, M10 ईवो आ रही है, वो मुझे निकालना है, ब्लू क्रिमिनल आ रहा है और ब्लैक बनी बंडल, ये 3 रिवॉर्ड मुझे निकालना है। तो भाई तीनों के लिए मुझे यहाँ पे ज्यादा सारा डायमंड चाहिए, तो इतने डायमंड मैंने इसी के लिए सेव करके रखा है। अगर आप लोग को देखना है ब्लैक बनी और M10 ईवो जो 2.0 आ रही है वो कितने डायमंड में निकलेगा, अलग इवेंट में आने वाला है, और उसी के साथ साथ जो ब्लू क्रिमिनल है वो भी रिटर्न आ रहा है, तो ये सब अगर आपको देखना है तो भाई अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर आप करके रखोगे तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी इवेंट्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम रहता है, जो भी रिव्यू रहता है, आपका भाई सबसे पहले देता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पे समझ में आ गया है कि ये स्किन कितना डायमंड लेके जाएगी, बहुत ज्यादा डायमंड लेके जाएगी। लेकिन अभी आप पूछोगे यार स्पिन ट्रिक तो कुछ बता दो, तो देखो यार यहां पे मैं 2 टाइप की स्पिन ट्रिक लगाता हूं कोई भी इवेंट के अंदर ना। एक तो यहां पे जो कैरेक्टर के अंदर आता हूं, और कैरेक्टर के अंदर आने के बाद यहां पे जो भी कैरेक्टर है मैं यूज करता हूं वो नहीं लेता हूं, जो कैरेक्टर यूज नहीं करता हूं, जैसे कि एडम यहां पे हो गया, एडम को सिर्फ हम यूज करते किस लिए, कोई भी स्पिन करने के लिए। मैं ये वाला भी ज्यादा नहीं करता हूं, मैं ज्यादातर ये करता हूं कि यहां पे जो कैरेक्टर लेके नहीं खेलता हूं वो कैरेक्टर को लेता हूं और यहां पे मैं स्पिन करता हूं, ठीक है। तो आप लोग भी जो कैरेक्टर लेके नहीं खेलते हो वो कैरेक्टर लो और उसके बाद एक स्पिन करो, या एक या दो स्पिन करना है करो, और उसके बाद फिर कैरेक्टर चेंज करो जो आप लेके नहीं खेलते हो, दूसरा कैरेक्टर लेना सेकंड टाइम, फिर उसके बाद आओ फिर स्पिन करो। इसी तरीके से आप कैरेक्टर चेंज कर करके यहां पे स्पिन करोगे तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और जो दूसरा स्पिन ट्रिक है वो मेरा पर्सनली फेवरेट है, वो कौन सा है, यहां पे भाई साहब मैं करता क्या हूं, अगर कोई भी इवेंट में मुझे कुछ निकालना रहता है ना तो मैं कम डायमंड में निकाल लेता हूं। वो कैसे, क्योंकि यहां पे भाई साहब जब इवेंट आता है ना जिस दिन, वो दिन मैं नहीं निकालता हूं, यहां पे मैं नेक्स्ट डे निकालता हूं 2-3 दिन के बाद। वो इसलिए क्योंकि जब मैं अपना आईडी बंद करके रखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा टाइम मेरी आईडी बंद रहे, जैसे कि 12 घंटा या उससे ज्यादा। तो यहां पे आप लोग को करना क्या है, आपको जो भी इवेंट में डायमंड लगाना है कम डायमंड में निकले, तो आप लोग को वो इवेंट के अंदर पहले दिन स्पिन नहीं करना है, आप लोग को वेट करना है नेक्स्ट डे का, मतलब आप अपनी आईडी बंद कर दो रात से, और आप मॉर्निंग में अगले दिन मतलब मॉर्निंग सुबह 10-11 बजे आप उसके बाद स्पिन करो। और जब आप स्पिन करोगे ना तो यहाँ पे जो भी इवेंट में आप स्पिन कर रहे हो तो भाई आपका बहुत कम डायमंड लगेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरी पर्सनली फेवरेट स्पिन ट्रिक है। तो आप लोग ये ट्राई करके देखो, आप लोग का कम डायमंड में निकल जाएगा अगर जिसको भी निकालना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया ये स्किन कैसे निकालना है, और निकालना है कि भी नहीं वो मैंने आपको इन डिटेल में बता दिया। तो यहाँ पे जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना, और कमेंट में हाउ टू पार्टिसिपेट की लिंक है जिससे आप गूगल पे का रिडीम कोड डेली फ्री में ले सकते हो मेरे चैनल के थ्रू। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपने फैमिली का ख्याल रखें, थैंक यू, बाय बाय।